शक्ति कितने सालों तक थी इस देश में? 2,500 सालों तक मनुस्मृति तथागत बुद्ध के भी पहले से इस देश में इन लोगों ने असमानता फैला दी थी। 2,500 सालों की मनुस्मृति, अगर हम औसतन एवरेज हमारी एज पकड़े 100 साल भी अगर पकड़ते हैं तो 2,500 साल के मनुस्मृति के कानून में हमारी कितनी पीढ़ियां गई होंगी? 2,500 सालों के मनुस्मृति में 100 अगर हमारी उम्र पकड़ते हैं तो 25 पीढ़ियां हमारी मनुस्मृति के कानून में जी रही थी। आपके परदादा, उनके परदादा, उनके परदादा, आपको तो नाम भी पता नहीं होगा, 4-5 पीढ़ियों बाद हमारे नाम भी हमको पता नहीं होंगे। तो 25 पीढ़ियां हमारी मनुस्मृति के कानून में जी रही थी। अब संविधान हुआ है 71 ईयर का, इसमें हमारी एक पीढ़ी भी अभी तक पूरी नहीं हुई है, लेकिन 2,500 सालों के मनुस्मृति को 70 साल के संविधान से डर लगने लग गया। ऐसा क्यों? ये डर क्यों है? 70 सालों में ही इस देश के संविधान को क्यों हटाया जा रहा है? एक आर्टिकल 21C कहता है कि इस देश में एजुकेशन, शिक्षा, ये सभी स्टेट्स की जिम्मेदारी होगी। अब ये आर्टिकल खत्म कर दिया गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाया है और कहा है कि अब ये स्टेट, कोई भी स्टेट एजुकेशन नहीं देगा। एजुकेशन कौन देगा? अडानी, अंबानी, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ये देंगे। यानी जिन स्कूलों में हमारे बच्चे शिक्षा प्राप्त करके आईएएस बन रहे थे, अब ऐसे स्कूल तैयार होंगे जहां पर हमारे बच्चे दहलीज पर भी पैर नहीं रख पाएंगे। तो ये क्यों खत्म कर रहे हैं? ऐसा क्या लिखा है बाबा साहब ने संविधान में? ऐसा क्या है संविधान जो 2,500 साल की मनुस्मृति इस संविधान से डर रही है? ऐसा क्या लिखा है? चलिए मैं उदाहरण के साथ आप लोगों को संविधान क्या है और मनुस्मृति क्या थी ये आप लोगों को बताना चाहूंगा। और ये उदाहरण मैं किसी XYZ आदमी का नहीं लूंगा, ये उदाहरण मैं खुद बाबा साहब का लेना चाहता हूं। मनुस्मृति के कानून में बाबा साहब के साथ क्या हुआ करता था और संविधान में हमारे साथ क्या हो रहा है? बाबा साहब जब 7-8 साल के थे तब उनके पिताजी मिलिट्री में थे और कई कई महीने वो घर पर नहीं आते थे। जहां पर पोस्टिंग हो गई वहीं पर वो सर्विस किया करते थे। तो बाबा साहब के पिताजी को लगा कि बहुत महीने हो गए मैंने अपने बच्चों को नहीं देखा, क्यों ना अपने बच्चों को वैकेशन जो लगी है, छुट्टियां लगी है स्कूल की, तो क्यों ना बच्चों को अपने हेडक्वार्टर पे बुलाया जाए। तो बाबा साहब के पिताजी ने खत लिखा और बच्चों को कहा कि अभी आपकी छुट्टियां लग गई है, आप लोग मुझे मिलने के लिए ये ट्रेन पकड़ के इस तारीख को या किस तारीख को आने वाले हो वो लिख कर मुझे भेजो, मैं आप लोगों को लेने के लिए आ जाऊंगा। अब ये खत बाबा साहब को मिला, बाबा साहब ने देखा कि हमारे पिताजी ने हमको बुलाया है, तो बाबा साहब, उनके भाई और उनके बहन के बच्चे सभी 4-5 लोग ये बाबा साहब के पिताजी को मिलने के लिए निकल पड़े। अब बाबा साहब ने खत लिखा कि हम ये ट्रेन पकड़ के इस तारीख को आ रहे हैं, लेकिन ये खत, ये टेलीग्राम बाबा साहब के पिताजी को मिला ही नहीं। अब उनको पता ही नहीं था कि बच्चे कब आने वाले हैं और बच्चे ट्रेन पकड़ के निकल गए। जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस स्टेशन पे उतरने के लिए कहा था वहां पर उतर गए और बच्चे राह देख रहे अपने पिता, और पिता को पता ही नहीं कि बच्चे आ गए। बाबा साहब स्टेशन पे खड़े हैं, उनके भाई, उनके बहनों के बच्चे, स्टेशन मास्टर ने देखा ये अच्छे घर के लड़के दिख रहे हैं, बच्चे दिख रहे हैं, तो स्टेशन मास्टर उन बच्चों के पास आए, उसने देखा ट्रेन चली गई, सभी लोग चले गए, ये बच्चे क्यों रुके हैं? स्टेशन मास्टर ने बच्चों को पूछा, बाबा साहब को पूछा कि आप लोगों को कहां जाना है, तो बाबा साहब ने वो खत दिखाया कि मेरे पिताजी मिलिट्री में ऑफिसर हैं और उन्होंने हमको मिलने के लिए बुलाया। स्टेशन मास्टर को लगा ये बड़े ऑफिसर के बच्चे हैं, तो स्टेशन मास्टर ने वहीं पर एक बैलगाड़ी खरीदी, बैलगाड़ी वाले को बुलाया और कहा कि ये बच्चे अच्छे घर के लग रहे हैं, बड़े ऑफिसर के बेटे हैं, बच्चे हैं, इनको ये पते पर छोड़ दो। तो बैलगाड़ी वाले ने उन बच्चों को, बाबा साहब को बैलगाड़ी में
बिठाया और जैसे ही बैलगाड़ी ये बाबा साहब के पिताजी जहां पर रुके हुए थे वहां के लिए निकल पड़ी, वो बैलगाड़ी वाला बच्चों से चर्चा करना शुरू कर दिया, बात करना शुरू कर दिया, कौन गांव के हो, कहां से हो, और धीरे धीरे कौन से जाति के हैं ये भी उसने पता करवाया। और जैसे ही उस बैलगाड़ी वाले को पता चला कि ये तो अछूतों के बच्चे हैं, निचले जाति के बच्चे हैं, उसने बैलगाड़ी रोकी और बाबा साहब को और उन सभी बच्चों को गालियां देकर नीचे उतार दिया कि अभी क्या अभी मेरी गाड़ी से नीचे उतरो, तुम्हारे कपड़ों से मैं धोखा खा गया, मुझे लगा कि तुम लोग सवर्णों के बच्चे हो। बाबा साहब और वो सभी बच्चे नीचे उतर गए। बाबा साहब ने कहा ये ज्यादा पैसे ले लो लेकिन हमको हमारे पिता के यहां छोड़ दो। तो ज्यादा पैसे के लालच में बैलगाड़ी वाला बोला ठीक है लेकिन तुम लोग अछूत हो इसलिए मेरी गाड़ी में बैठ नहीं सकती, मेरी गाड़ी में बैठ नहीं सकते, मेरे गाड़ी के पीछे पीछे चलते चलते आ। और फिर वो गाड़ी बैलगाड़ी चलने लग गई, बाबा साहब और सभी बच्चे बैलगाड़ी के पीछे पीछे चल रहे थे। कई किलोमीटर चलने के बाद बाबा साहब को प्यास लग गई। बाबा साहब ने बैलगाड़ी वाले से कहा कि आपके पास जो पानी है वो पानी मुझे दीजिए, मुझे बहुत प्यास है। बैलगाड़ी वाले ने कहा कि तुम लोग अछूत हो, मैं तुम लोगों को अपना पानी नहीं पिला सकता लेकिन आगे अगर कोई नदी आती है, तालाब आता है तो गाड़ी रोक लूंगा, वहां से पानी पी लेंगे। बहुत देर हुआ कोई नदी नहीं आ रही थी, कोई नाला नहीं आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा। बैलगाड़ी वाले को भी दया आ रही थी कि बच्चे पानी प्यास प्यास लगी है, पानी मांग रहे। और उतने में एक पानी का तालाब या उस बैलगाड़ी वाले को दिखा, उसने कहा वो देखो वहां पर पानी दिखाई दे रहा है। बाबा साहब और सभी बच्चे दौड़ते दौड़ते वहां पर गए और बाबा साहब ने देखा ये कीचड़ है, ये तो कीचड़ है लेकिन प्यास लगी थी। बाबा साहब ने कीचड़ कीचड़ हटाया और वो गंदा पानी बाबा साहब ने और सभी बच्चों ने पी। बाबा साहब फिर कई किलोमीटर चलते चलते अपने पिता के यहां पहुंच गए। पिता ने देखा कि ये मेरे बच्चों की हालत क्या हो गई है, मुंह पर मिट्टी, बदन पर मिट्टी, कपड़े सब मैले हो गए हैं। और बाबा साहब के पिताजी को पता चल गया कि मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ होगा। बाबा साहब दौड़ते दौड़ते आए, बाबा साहब अपने पिताजी के गले लगे और बाबा साहब ने एक ही सवाल पूछा कि पिताजी हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हमारे साथ ऐसा क्यों बर्ताव किया गया, ये बैलगाड़ी वाला मुझे अपने गाड़ी में क्यों बैठने नहीं देता, मुझे पानी पीने का अधिकार क्यों नहीं है। बाबा साहब के पिताजी ने कहा कि यही व्यवस्था तुम्हें बदलनी है, यही चित्र तुम्हें बदलना है। और उसी बच्चे ने बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस देश का संविधान लिखा। मनुस्मृति के कानून में खुद बाबा साहब के ऊपर कीचड़ का पानी पीने की नौबत आ गई। मनुस्मृति के कानून में बाबा साहब को बैलगाड़ी में बैठने का अधिकार नहीं था लेकिन उन्हीं बाबा साहब ने इस देश में संविधान दिया और उन्हीं बाबा साहब के बदौलत आज हम लोग ये बिस्लरी का पानी पी रहे हैं। बाबा साहब को मनुस्मृति के कानून में बैलगाड़ी में भी बैठने की इजाजत नहीं थी, उन्हीं बाबा साहब के संविधान के कानून में हम हवाई जहाज में बैठ रही है, हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। हमारे आज सुबह एयरफोर्स के साथी आए थे, एयरफोर्स में कमांडेंट है, एयरफोर्स में चीफ है, ऐसे लोग आज बाबा साहब के संविधान के माध्यम से तैयार हुए, ऐसे लोग तैयार हुए। और इसलिए 2500 सालों के मनुस्मृति को संविधान से डर लगने लग गया है कि मनुस्मृति कह रही थी कि तुमको कीचड़ का पानी भी पीने को हम नहीं देंगे, ये संविधान बाबा साहब का आपको बिस्लरी दे रहा है, आपको मिनरल वाटर दे रहा है, इसलिए ये 2500 सालों की मनुस्मृति डर रही है। इसलिए उनके ये जो लोग हैं, उनके विचारधारा को आगे फैलाने वाले जो लोग हैं, इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर सभी लोग, ये जो लोग हैं, ये क्यों उस विचारधारा को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज ये नौबत आ गई है, अलग अलग संगठन बनाने का अधिकार भी बाबा साहब ने हमको दिया है। लेकिन अगर दुश्मन एक है तो हमारा आंदोलन भी एक होना चाहिए, हमारी लड़ाई भी एक होनी चाहिए। ये कोई पार्टियों की लड़ाई नहीं चल रही है, कांग्रेस बीजेपी ये इन लोगों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई दो विचारधाराओं की है,
ये दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है और ये आज से नहीं चली आ रही है, 2500 सालों से चली आ रही है। और हम वो लोग हैं जो आज तक इस लड़ाई को, इस आंदोलन को, इस विचारधारा को हमने जिंदा रखा हुआ है, वो हम ही लोग हैं, हम ही लोग हैं। इन्हीं ब्राह्मणी व्यवस्था ने आगे चलकर हमको जातियों में बांट दिया ताकि हम लोग एक ना हो सके। ये रविदासिया, ये चमार, ये वाल्मीकि, पता नहीं कितने सारी जातियों में हम लोगों को बांट कर रखा, लेकिन हम आज भी श्रमण संस्कृति के लोग हैं। इसलिए हम लोग आज यहाँ पर जो आए हैं वो आप सभी लोगों को एक करके बाबा साहब के दिए हुए हम पर अधिकार को बचाने के लिए यहाँ पर आए। बाबा साहब ने दिए हुए अधिकारों को, संविधान को बचाने के लिए हम आए। बाबा साहब ने दिया हुआ धर्म, इसको हम लोग इस देश में एस्टाब्लिश करने के लिए आए हैं, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए आए हैं। मैं आप लोगों की, क्योंकि हमको फिर आगे चलकर हरदोई में भी जाना है, तो मैं अधिक भाष्य नहीं करूंगा, लेकिन एक बात मैं और आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि बहुत लोग, क्योंकि मैं आज पहली बार यहाँ पर आया हूँ और मुझे पता नहीं कि मेरे पहले भी बाबा साहब के परिवार से अगर यहाँ कोई आया है नहीं आया, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अच्छा तो सबसे पहले बाबा साहब के परिवार से मैं ही यहाँ पर आया हूँ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं अलग अलग राज्यों में जब जाता हूँ तो वहां के लोगों को बाबा साहब का संपत्ति जाने का बहुत उत्सुकता रहती है कि बाबा साहब की प्रॉपर्टी क्या है, बाबा साहब के पास कितने बंगले थे, बाबा साहब के पास कितने स्कूल है, कितने कॉलेज है, बाबा साहब की प्रॉपर्टी कितनी है। देखिए मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर जी चार डिपार्टमेंट के, चार खातों के मंत्री रहे। उनके पूरे जीवन कार्यकाल में चार खातों के मंत्री बाबा साहब रहे थे। आज हमारे यहाँ का एक सरपंच भी बन जाता है तो 7 पीढ़ियों को कमा कर रख के चला जाता है कि इतना पैसा वो इकट्ठा करता है, लेकिन बाबा साहब तो चार चार खातों के मंत्री थे, तो कितना सारा पैसा जमा किया होगा बाबा साहब ने। बाबा साहब का जब महापरिनिर्वाण हुआ तब उनके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए थे, 15,000, और किसी बैंक का बाबा साहब पे कर्जा था। चार खातों के मंत्री होने के बावजूद बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास 15,000 रुपए, तो बाबा साहब की संपत्ति क्या है, बाबा साहब की प्रॉपर्टी क्या है। आज मैं आप लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रॉपर्टी बताना चाहता हूँ। आज आप लोगों में कोई डॉक्टर बैठा होगा, कोई इंजीनियर बैठा होगा, कोई लॉयर बैठा होगा, कोई प्रोफेसर बैठा होगा, आज आप लोगों में क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर्स बने हैं, ये है बाबा साहब की प्रॉपर्टी। ये बाबा साहब और इस प्रॉपर्टी का हिस्सा लेने के लिए आया, इस प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेने लिया, आप लोगों का योगदान हमें चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो हक और अधिकार बाबा साहब ने दिए हैं उसको बचाने के लिए आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। जो इस देश का इंटेलेक्चुअल वर्ग है उनको हम बताना चाहते हैं, उनको हम अपील कर रहे हैं कि आप लोग इस मूवमेंट को, हम लोगों को जो हम ये मूवमेंट चला रहे हैं उसको सपोर्ट कीजिए। आज हम लोग आप लोगों को अपील कर रहे हैं, इसलिए मैं आज यहीं पर आप लोगों के यहाँ पर उन्नाव की धरती पर यहाँ पर हूँ मैं। आप लोगों से आपके छोटा छोटा जो आपका सहयोग है, साथ है, वो आप लोगों का साथ चाहूंगा। और बाबा साहब ने जो ये मिशन हम लोगों के आगे सौंप कर गया है कि इसको बचाए रखना है इसको, और मैं और एक अपील करना चाहूंगा कि हम लोगों को, हम लोग आज जो काम कर रहे हैं, अपनी स्वतंत्र व्यवस्था खड़ी करने का भी काम हम लोग कर रहे हैं, अपनी स्वतंत्र व्यवस्था। आज आप लोगों के बच्चे जिन स्कूलों में जाते हैं, जिन शिक्षा के केंद्रों में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, उनको ब्राह्मणवादी शिक्षा के अनुसार ढाला जाता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु का पढ़ाई उनके घरों में, आपके घरों में छोड़ी जाती है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि 70-72 साल इस देश के संविधान को हुआ है, तो क्या इन 70 सालों के संविधान का बेनिफिट लेकर हम अपनी शिक्षा की व्यवस्था नहीं खड़ी कर सकते। इसलिए आज आप लोगों के पास ये बिहार है, मैं ये कहूंगा कि इस बिहार के साथ साथ एक ऊपर और एक मंदिर बनाया जाए जिसमें हमारे बच्चे शिक्षा प्राप्त करें, हमारी खुद की शिक्षा, हमको किसी और से शिक्षा व्यवस्था में अपने बच्चों को नहीं डालना, हमारी खुद की शिक्षा जो हमारे भविष्यों का आंदोलन, हमारे आने वाली नस्लों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को समझाया जाए। इसलिए आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं बंदे जी को भी हमें सुनना है, और आप लोगों ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, इतना बड़ा सत्कार समारोह किया, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का आभार भी व्यक्त करता हूँ। और कई ये कोई हमारा पहला या आखिरी दौरा नहीं है,
हम लोग फिर आते रहेंगे। ये बहुत ही शॉर्ट और इंट्रोडक्शन हमारा कार्यक्रम चल रहा है, सारे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। ये 10 दिन के बाद फिर हम लोग 10-15 दिन का दौरा करेंगे। और एक बहुत बड़ा हमारा कैंपेन चल रहा है कि 5 करोड़ लोगों को 2025 में बौद्ध धर्म की दीक्षा का समारोह हम लोग करने जा रहे हैं। 5 करोड़। और ये सभी इंटेलेक्चुअल, सभी लीडर्स, जितने भी दिल्ली से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी इस विचारधारा में काम कर रहे लोग हैं, वो सभी लोग काम कर रहे हैं। ये किसी एक के नेतृत्व में नहीं हो रहा, सभी बहुजन समाज के नेतृत्व में हो रहा है। और इसलिए मैं आप लोगों को 2025 का आज ही आमंत्रण देके जा रहा हूँ। 2025 के अशोका विजयादशमी के दिन प्लेस कहाँ पर है ये डिक्लेयर किया जाएगा। उस दिन आप सभी लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए, आप सभी उन्नाव के लोगों को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि 2025 के अशोका विजयादशमी के दिन हम लोगों को बौद्ध धर्म के दीक्षा के समारोह में भी शामिल होना है। इतना ही मैं कहूंगा और अपने वाहन को विराम देता हूँ। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज़।